वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे आलू पनीर स्टफ कुलचा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना भी ना भूले, जिससे आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। तो सबसे पहले हम जो बाहर का पड़ बनाएंगे आउटर लेयर, इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और हमें सभी चीज़ें परफेक्ट मेजरमेंट से लेनी है जिससे हमारा कुलचा अच्छा बने। तो मैंने 1 टीस्पून पाउडर शुगर ली है, स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है कम करीब 1/2 टीस्पून, और मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है और 1 कप मैंने दूध लिया है। हमें आटा गूंदने के लिए दूध चाहिए तो हम जितनी ज़रूरत होगी उतना ही दूध लेंगे। और मैंने 1/4 कप खट्टा दही लिया है, दही हमें खट्टा ही लेना है। तो सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें मैं मैदा डाल दूंगी और मैदे में हम सभी सामग्री डाल देंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पाउडर शुगर और नमक सभी हम डाल देंगे। नमक मैंने डाल दिया है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और अभी हम दही भी डाल देंगे और तेल भी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है और दही डाल देंगे। और अभी मैं सभी चीज़ें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी हम हाथों से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका आटा गूंदेंगे। और हमें इसका नरम ही आटा रखना है जिससे हमारे कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अभी सब अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल देती हूँ और इसका सॉफ्ट डो बना दूंगी। अच्छे से मसल मसल के हमें आटा गूंदना है, क्योंकि मैदा है इसीलिए हमें आटे को अच्छे से गूंदना है, अच्छे से मसलना है। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम दूध लेंगे। अच्छे से मसल मसल के मैं आटा गूंद लेती हूँ। इस तरह से मसल के हमें सॉफ्ट डो बना देना है। ये मैदा है इसलिए ज़्यादा चिपचिपा रहता है। तो आटा मैंने इस तरह से सॉफ्ट गूंद लिया है और मैंने जो दूध लिया था इसमें से आधा ही दूध का यूज़ हुआ है, आधा मैं साइड में रख देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा तेल लूँगी और आटे को अच्छे से मसल लूँगी और हमें अभी 5 से 7 मिनट तक आटे को अच्छे से गूंदना है जिससे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हम जितना आटा गूंदेंगे इतना हमारा कुलचा सॉफ्ट बनेगा। पाँच से सात मिनट तक मैं ऐसे ही मसलूंगी। आप आटा गूंदने के लिए दूध की जगह पानी का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन आप दूध का यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आटा मैंने अच्छे से मसल के तैयार कर दिया है। तो मैं अभी इसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा ढक दूंगी और इसके ऊपर मैं थाली ढक के 2 घंटे के लिए साइड में रख देती हूँ जिससे अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो अभी हम स्टफिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। तो मैंने ये छोटे वाले 4 आलू लिए हैं और इसको मैंने बॉईल करके इसका छिलका निकाल दिया है। और मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है। आलू को मैंने 1 घंटे पहले ही बॉईल करके रखा था जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो निकल जाए। और अभी आलू को हम कद्दूकस करेंगे और फिर आप अच्छे से मैश भी कर सकते हो। और मैंने थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। पनीर को भी हम कद्दूकस करेंगे। ऊपर लगाने के लिए हम बटर लेंगे, आप घी भी ले सकते हो। और मसाले देखेंगे तो मैंने 1 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा आलू की पेस्ट बनाई है। 1 टीस्पून मैंने धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं।
जिससे हमारा स्टफिंग अच्छा बने और मसाला बाहर ना निकले। तो मैंने सभी आलू कद्दूकस कर लिए हैं और मैं पनीर को भी इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहो तो इसे स्क्रम्बल भी कर सकते हो। तो पनीर भी अच्छे से कद्दूकस हो गया है। तो अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ रहा धनिया और सभी हमने जो मसाले लिए हैं वो डाल दूंगी। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं सभी चीज़ें हाथों से अच्छे से मसल के मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग का मसाला तैयार हो चुका है। अभी 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से फूल चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो अभी मैं इसको फिर से आधे मिनट तक ऐसे मसल लूँगी और बाद में मैं इसमें 1 से 2 तेल की बूंदे डाल के अच्छे से आटा चिकना कर लूँगी और फिर से थोड़ा मसल लूँगी। और हम इसकी जो नॉर्मल हम पराठे के लिए लोई बनाते हैं इसी तरह से हमें लोई बनानी है। तो मैं इस तरह से थोड़े बड़े लोई मैंने ले ली है। आप जिस हिसाब से आपका कुलचा चाहिए इस हिसाब से आप लोई लो ले लो। और मैंने इस तरह से सभी लोई बना ली है। तो मैंने पानी लिया है, ये स्टफिंग का मसाला है, ये थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया लिया है और मैंने ये सूखा मैदा लिया है जिसपे हम ये जो लोई है वो कोट कर लेंगे। अच्छे से मैं इसे कोट करके पूरी जितना बेल लूँगी पहले, जिस तरह से हम नॉर्मली आलू पराठे बनाते हैं इसी तरह से हमें बनाना है। मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है स्लो फ्लेम पे। अभी मैंने पूरी जितना बेल लिया है और अभी मैं इसमें स्टफिंग भर देती हूँ और अच्छे से इसे बंद कर लूँगी। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये आलू पनीर कुलचे। और आप चाहो तो पनीर ना भी डालो तो अकेले आलू का भी आप बना सकते हो। अच्छे से हमें बंद कर लेना है जिससे वो फटे नहीं और मसाला हमारा बाहर ना निकले। तो अभी मैं इसे फिर से मैदे में कोट कर लूँगी और इसे अच्छे से मैं बेल लूँगी। इस तरह से हमें इसे लंबगोल बनाना है, ओवल शेप देना है। तो अभी मैंने थोड़ा बेल लिया है तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया लगा लूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी और फिर से बेल लूँगी। लंबाई आपको बेला है मैंने, आपको जैसा शेप चाहिए लंबा या गोल ऐसा आप बना सकते हो। अभी मैं इसे पलटा लूँगी और फिर से बेल लूँगी। इस तरह बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो हमारा कुलचा अच्छे से बेल चुका है, तैयार हो चुका है। तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा पानी ये इस तरह से लगा लूँगी और अभी तवा भी गर्म हो चुका है। तो अभी हम कुलचा बना लेंगे। तो जिस साइड से हमें पानी लगाया है उसी साइड से हमें तवे पे रख देना है और गैस की फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल ही स्लो रखी है। शुरू हो जाए बाद में हम इसे तवा उल्टा करके हम जो हमने धनिया वाला बागे इसी साइड से हमें इस तरह से इसे सेकना है इसी तरह से और हमें थोड़ा ऊपर रखना है और गैस की फ्लेम अभी मैंने हाई कर ली है, बिल्कुल नज़दीक नहीं रखना है। इसी तरह से हमें दूर रख के ही इसे सेकना है। तवा थोड़ा ऊपर रखना है और फुल फ्लेम पे हमें इसकी जो फ्लेम थोड़ी थोड़ी आती है इससे ही हमें सेकना है। और मैं तवा सभी ओर गोल गोल घुमाते हुए सभी ओर से अच्छे से सेक लेती हूँ जिससे सभी और अच्छे से ये सेक जाए। सभी ओर से हम अच्छे से सेक लेंगे। और मैंने जो आटा गूंदने के लिए दूध का यूज़ किया है इससे हमारा कुलचा बहुत ही अच्छा बनेगा और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। देखिए कितना बढ़िया बना है।
अभी थोड़ा कच्चा है तो मैं सभी ओर से सेक लेती हूँ साइड में से। सभी ओर से हमें अच्छे से सेकना है। तो अभी एक जो ऊपर का भाग है वो अच्छे से सेक चुका है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना बढ़िया बना है। तो अभी हम दूसरा साइड भी इसी तरह से तवे पे ऐसे ही सेक लेंगे और अभी गैस की फ्लेम में मीडियम कर लेती हूँ। अभी हमें दूसरी साइड मीडियम फ्लेम पे तवे पे ही डायरेक्ट ही सेकना है, इस तरह से जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं। तो दूसरी साइड हम अभी चेक कर लेते हैं इसे। अभी थोड़ा कच्चा है तो अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा और पकने दूंगी। तो अभी दूसरी साइड अच्छे से पक चुका है तो अभी मैं इसे प्लेट में ले लेती हूँ और इसके ऊपर गरम गरम पे ही मैं बटर लगा लूंगी। बहुत ही अच्छा कुलचा बना है हमारा, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये स्टफ कुलचा। तो मैंने इसे पंजाबी सब्जी के साथ सर्व किया है और ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।